अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें द डायमेंशनल लिमिट ऑन द शाफ्ट ऑफ 25x7r, डायमेंशनल लिमिट क्या होगा? अब ये जो डिजिग्नेशन दिया है 25x7, ये शाफ्ट के लिए दिया है, तो इसका जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरह से होगा, ये जो होगा बेसिक साइज होगा, और इस शाफ्ट के टॉलरेंस की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये स्मॉल एच है। सो ये हो गया अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अपर लिमिट तो पता है मुझे 25 mm होगा, लेकिन लोअर लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो टॉलरेंस है ये फाइंड करना होगा, टॉलरेंस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है जो टॉलरेंस होगा इसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा 10 × 1.6 रेस टू 7 − 6। यहाँ पे 7 है इसके लिए, यहाँ पे हम लोग ने 7 यूज किया, और −6 एज इट इज रहेगा इंटू स्मॉल आई। अब ये जो आई है वो क्या चीज है? आई है स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, जो कि आएगा माइक्रोमीटर में। सो आई का क्या फॉर्मूला है? ये है 0.45 d^3 + 0.001 d। d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू यहां पे हो जाएगा 25 mm। यहाँ पे जनरली ये जो डी होता है √d1 × d2। अब d1 और d2 क्या है, एक डायमीटर का रेंज दिया होगा आपको, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे तो मुझे d मिल जाएगा। बट यहाँ पे d1 और d2 नहीं दिया, यहाँ पे सिंपली ये d दिया है 25, तो मैं एज इट इज यूज करूंगा। तो इसमें जब मैं पुट करूंगा तो इस i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.45 25 √1/3 + 0.001 × 25। सो आई का वैल्यू आ जाएगा 1.34 माइक्रोमीटर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 1.6 × 1.34, ये आ गया किसमें, माइक्रोमीटर में। सो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट विल बी 25.00 माइनस दिस टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या होगा, अब ये एमएम में है तो इसको भी एमएम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो गया 16 × 1.34 / 1000। तो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट विल कम 24.979 mm, ये आ जाएगा। सो अपर लिमिट ये आ गया 25 और लोअर लिमिट ये आ गया। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।